हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मकड़ी सांप को खा सकती है? क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा सांप देखा है? क्या आपको पता है कि चींटियों के पास दो पेट क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि काकरोच का सिर कटने के बाद वह कितने दिन तक जीवित रह सकता है? आज मैं आपको दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो पहले बात करते हैं स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों की। यह मकड़ियाँ हमारे घर, खेतों और जंगलों में पाई जाती हैं। यह देखने में छोटी होती है, लेकिन इनके फैक्ट काफ़ी बड़े होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी का नाम गोलाइथ बर्ड ईटर है, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। यह मकड़ी शिपकली, मेंढक, चूहे, जहाँ तक कि सांप को भी खा जाती है। दुनिया में मकड़ियों की लगभग 46,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मकड़ियों के खून का रंग नीला होता है। एक मकड़ी की उम्र 1 साल से लेकर 20 साल तक होती है। पूरी धरती पर आबादी के मामले में मकड़ियाँ 7वें नंबर पर आती हैं। यह 1 साल में इतने कीड़े खा जाती हैं जितने कि सभी पक्षी और चमगादड़ मिलके भी नहीं खा सकते। क्या आप जानते हैं मकड़ियों के दांत नहीं होते, इसीलिए वो अपने शिकार को चूस के खाती हैं। मकड़ियाँ पानी के ऊपर भी चल सकती है और पानी के नीचे भी सांस ले सकती है। मकड़ियों की एक प्रजाति का नाम क्रैब स्पाइडर है, जो कि वातावरण और जगह के हिसाब से अपना रंग बदल सकती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्नेक्स यानी कि सांपों के बारे में। सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। सांप का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। ये सांप धरती पर लगभग 13 करोड़ सालों से रह रहे हैं। कभी कभी सांप दो सिर के साथ पैदा होते हैं। ऐसा होने पर भोजन के लिए यह सिर आपस में लड़ते रहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक यानी कि डागा स्नेक है, जो कि कैरिबियन आइलैंड के बाबीडोस में पाए जाते हैं। यह सांप 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दुनिया में सांपों की लगभग 3,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 20% ही जहरीली होती हैं। पूरे भारत में 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 50 प्रजातियां जहरीली होती हैं। पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड ऐसे देश हैं जहां पर सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। सांप अपनी आँखों को बंद नहीं कर सकता, इसीलिए वह हमेशा खुली आँखों के साथ ही सोता है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं एंट्स यानी कि चींटियों के बारे में। आप आसानी से चींटियों को आपके घर में देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितना वजन इंसानों का है, उतना ही वजन चींटियों का है, और वह अपने वजन से लगभग 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। पूरी दुनिया में चींटियों की प्रजातियां 12,000 से भी ज़्यादा हैं। चींटियों में फेफड़े नहीं पाए जाते, उनके सिर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे ऑक्सीजन प्रवेश करती है। फेफड़े ना होने के कारण वह पूरा दिन पानी के भीतर रह सकती है। चींटियों के कान नहीं होते, वह कंपन यानी कि वाइब्रेशन के माध्यम से सुनती है। चींटियों के पास दो पेट होते हैं, एक में वो अपने खाने को जमा करती है और दूसरे पेट में वो दूसरों के खाने को जमा करती है। ज़्यादातर चींटियाँ काले और लाल रंग की होती हैं, लेकिन कुछ चींटियाँ पीले और हरे रंग की भी होती हैं। नंबर 4 पर हम बात करते हैं काकरोच की। ये जीव घरों में आसानी से मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं काकरोच सर कटने के बाद 7 से 9 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि वह मुंह से सांस नहीं लेता।
बल्कि सिर के छोटे छोटे छेदों में से सांस लेता है। दुनिया भर में काकरोच की 4000 प्रजातियां हैं। काकरोच की टांग कटने पर वह फिर से नई टांग आ जाती है। दुनिया का सबसे लंबा काकरोच साउथ अमेरिका का था, जिसकी लंबाई 6 इंच तक थी। आमतौर पर काकरोच की लंबाई 1.5 से 2 इंच तक होती है। यह बिना खाना खाए 1 महीना रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। काकरोच के पास पंख होते हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकते। जब यह ऊंचाई से गिरते हैं तो पंख उन्हें बैलेंस बनाने में इनकी मदद करते हैं। चाइना में काकरोच को फ्राई करके बाजार में बेचा जाता है। वहाँ इसे बहुत स्वाद के साथ खाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।